हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो में। तो गाइज, अभी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया सर्वर के न्यू अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। उसके बाद हम कुछ न्यू चेंजेस के बारे में भी बात करने वाले हैं जो कि हमारे गेम में हुआ है। और उसके बाद गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं न्यू स्पाइडरमैन इवेंट के बारे में जो कि हमारे गेम में बहुत ही जल्द आने वाला है। उसमें से हमें कौन कौन सा रिवार्ड्स फ्री में मिलेगा और कौन कौन सा रिवार्ड्स पेड में रहेगा, वो सभी चीज़ें के बारे में हम अभी के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग अभी के टाइम में इवेंट वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को पहले का ही इवेंट देखने को मिलेगा। पहले से जो हमारे गेम में एक इवेंट का कैलेंडर आया हुआ है, बस यही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी तक कोई न्यू इवेंट का कैलेंडर वगैरह नहीं आया है। तो गाइज, इस इवेंट के बाद आने वाला हमारे गेम में न्यू स्पाइडरमैन वाला इवेंट। फिलहाल तो अभी के टाइम में यही वाला इवेंट चल रहा है जिसमें कि आप लोगों को कैरेक्टर्स दिया जा रहा है फ्री में ट्रायल करने के लिए। वैसे तो ये सब कैरेक्टर्स आप लोगों के पास पहले से ही होगा। और उसके बाद गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे लक रॉयल वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक लक रॉयल में बुया पास देखने को मिल रहा होगा। मतलब कि इस बार का बुया पास आप लोग यहाँ से स्पिन करके भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पिन करने के लिए आप लोगों को लगेंगे डायमंड्स। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे एक स्पिन करते हो तो आप लोगों को सिर्फ 9 डायमंड्स ही लगेंगे। और अगर आप लोग 5 डायमंड्स मतलब कि 5 स्पिन एक साथ करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को लगेंगे पूरे के पूरे 45 डायमंड्स। और यहाँ पे स्पिन करने के बाद कोई लिमिट भी नहीं होगा कि कितना डायमंड्स में कंफर्म है कि आप लोगों को यहाँ से बुया पास निकल जाए। और यहाँ पे कोई टोकन वाला सिस्टम भी नहीं है कि आप लोगों को स्पिन करने के बदले में डायरेक्ट बुया पास नहीं निकलता है। तो आप लोगों को टोकन मिलेगा और उसके बाद आप लोग टोकन से बुया पास एक्सचेंज कर सकते हो। उस टाइप का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों का बुया पास निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को और स्पिन करना होगा। वैसे अगर आप लोग बुया पास लेना पसंद करते हो तो डायरेक्ट ही जाके बुया पास परचेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे स्पिन करोगे तो हो सकता है कि इसमें आप लोगों का ज्यादा डायमंड्स भी खर्च हो जाए। वैसे अगर लक अच्छा रहा तो कम डायमंड्स में भी निकल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग स्पिन करना चाहते हो तो कर सकते हो अगर आप लोगों का लक अच्छा है तो। और उसके बाद गाइज, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे गेम में 3-in-1 इनक्यूबेटर अभी तक है और ये 3 दिन में एक्सपायर होने वाला है। और इस वाले इनक्यूबेटर में आप लोगों को एक ही बार 100% लक देखने को मिला था और वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। बाकी गाइज, बात कर लेते हैं कि इसमें हमें 100% लक दोबारा से कब देखने को मिलेगा। तो देखो गाइज, इसमें आप लोगों को 100% लक दोबारा से देखने को मिल सकता है और वो लक आप लोगों को लास्ट दिन मतलब कि 3 जून को देखने को मिल सकता है इसमें आप लोगों को 100% लक दोबारा से। और जब इसमें आप लोगों को 100% लक देखने को मिलेगा तो वो लास्ट दिन ही रहेगा इस इनक्यूबेटर का और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप लोगों के पास इनक्यूबेटर वाउचर है और आप लोग स्पिन करना चाहते हो तो 3 तारीख तक वेट कर लीजिए, हो सकता है इसमें आप लोगों को 100% लक देखने को मिल जाए। और जब इसमें 100% लक आएगा और उसके बाद आप लोग स्पिन करते हो तो आप लोग का ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि इसमें आप लोग का ब्लूप्रिंट्स निकल जाए और उसके बाद आप लोग बंडल्स या फिर गन्स कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हो। वैसे अभी के टाइम में मेरे पास ज़्यादा इनक्यूबेटर वाउचर्स नहीं है तो अभी हम जमा कर रहे हैं, अगर इसमें 100% लक आता है तो हम स्पिन करेंगे इसमें। बाकी गाइज, आप लोगों को पता होगा कि आज के दिन शायद से कल ही हमारा गोल्ड रॉयल का बंडल चेंज हो गया है और इसमें आया है एक न्यू गोल्ड रॉयल का बंडल, और जो कि ये मेल का बंडल है और ये मेल का बंडल भी काफ़ी सही है। बाकी गाइज, आप लोग तो इसमें स्पिन कर भी लिए होंगे तो अगर आप लोग इसमें स्पिन किए हो तो बताना कि आप लोगों को कितना लक में निकल गया। वैसे जो स्पिन नहीं किए हो तो कर सकते हो क्योंकि ये गोल्ड रॉयल का बंडल अच्छा लग रहा है। और हाँ गाइज, हम इससे पहले के वीडियो में बात किए थे कि हमारे गोल्ड रॉयल के बारे में, तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि हमारे गेम में नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आने वाला है एक फीमेल का बंडल, लेकिन वो फीमेल का बंडल यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे आया है सिर्फ ये मेल का बंडल गोल्ड रॉयल में। उसके बाद जिस फीमेल का बंडल के बारे में बात किए थे वो फीमेल का बंडल भी हमारे गेम में आया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे आप लोग को FF टोकन में एक्सचेंज करने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप लोग वो फीमेल का बंडल FF टोकन में एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये बंडल अच्छा लगता है तो यहाँ से आप लोग इसे एक्सचेंज कर सकते हो। और ये पूरा बंडल एक्सचेंज करने के लिए आप लोगों को लग जाएंगे पूरे के पूरे 250 टोकन्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सभी पार्ट्स अलग अलग एक्सचेंज करने होंगे। जैसे कि मास्क आप लोगों को 50 टोकन्स में मिल जाएंगे और शूज़ के लिए भी आप लोगों को अलग से 50 टोकन्स पे करने होंगे, और ऐसे ही सभी पार्ट्स के लिए आप लोगों को 50-50 टोकन्स पे करने होंगे, और उसके बाद जाके आप लोगों को ये बंडल परमानेंट मिल जाएगा। वैसे गाइज, अगर आप लोगों को ये बंडल अच्छा लगता है तो आप लोग यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो इसे। तो गाइज, हम लोग बात कर लेते हैं न्यू चेंजेस के बारे में जो कि हमारे गेम में हुआ है। तो गाइज, आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि हम अपने प्रोफाइल में अपना अवतार भी चेंज कर सकते हैं और बैनर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अवतार और बैनर इससे पहले जो हमें गेम में दिया जाता था सिर्फ वही सेट कर सकते थे, लेकिन अब से आप लोग अवतार के जगह अपना फोटो भी सेट कर सकते हो। और ऐसा अभी तक मैं बहुत सारे बंदे कर भी चुके हैं, और जिसे नहीं पता है तो आप कर सकते हो अवतार अपना चेंज। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मेरा वाला ये आईडी है, ये आईडी मेरा ईमेल से बना हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए ईमेल का ऑप्शन आ रहा है जिसपे कि डी लिखा हुआ है, मतलब कि मेरा जो ईमेल है ना उस पर सिर्फ डी लिखा हुआ है, उस पर हम कोई फोटो सेट नहीं किया है।
इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ डी ही दिखा रहा है। और जैसे ही हम अपना ईमेल का फोटो चेंज करेंगे, उसके ऊपर हम अपना फोटो लगाएंगे या फिर कोई और फोटो लगाएंगे, तो यहाँ पे वो वाला फोटो शो हो जाएगा और उसके बाद डी के जगह पे हमारा वो वाला फोटो दिखेगा जो कि हम वहाँ पे सेट किए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईमेल वालों के साथ ही होगा, अगर आप लोगों का अकाउंट फेसबुक से है तो भी आप लोग अपना फोटो चेंज कर सकते हो। जैसे कि गाइज यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम आ चुके हैं दूसरे आईडी में जो कि फेसबुक अकाउंट से बना हुआ है, और इसमें अभी हम आप लोगों को अवतार चेंज करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे पहले से दूसरा अवतार लगा हुआ था, और सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड में ये फोटो दिख रहा होगा आप लोगों का, और जिसके ऊपर फेसबुक का भी सिंबल है, मतलब कि ये आईडी मेरा जो है ना, ये आईडी मेरा फेसबुक से बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये फोटो फिट हो चुका है। मतलब कि वैसे तो ये मेरा अपना फोटो नहीं है, ये मेरा कोई फ्रेंड का फोटो है क्योंकि ये उसका ही आईडी है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, प्रोफाइल में आने के बाद भी यहाँ पे भी हमारा ये फोटो शो कर रहा है। तो आप लोग भी चाहो तो ऐसे ही अपना फोटो चेंज कर सकते हो और उसके बाद आप लोग अपना फोटो लगा सकते हो। वैसे गाइज जिसका आईडी जीमेल से बना हुआ है उसको उतना पता नहीं होगा कि फोटो कहाँ से चेंज करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि फोटो कहाँ से चेंज करना है और आप उस पर भी वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। बाकी फेसबुक से जिसका आईडी है उसका तो हो जाएगा आसानी से, क्योंकि फेसबुक के प्रोफाइल पे जो फोटो रहता है वही फोटो यहाँ पे आप लोगों का शो करेगा। बाकी गाइज हम लोग बात कर लेते हैं इंडोनेशिया सर्वर के न्यू इवेंट के बारे में जो कि हमारे गेम में बहुत ही जल्द आने वाला है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यू टोकेंडिंग इवेंट के बारे में जो कि हमारे गेम में आने वाला है। तो गाइज यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, ये एक टोकेंडिंग इवेंट है जिसमें कि आप लोगों को एक बंडल देखने को मिलेगा। वैसे इसका सिर्फ मुझे फोटो ही मिला है, कोई वीडियो क्लिप नहीं मिला है। यहाँ पे आप लोगों को एक बंडल देखने को मिल जाएगा और एक गुलवाल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये टोकेंडिंग इवेंट बहुत ही जल्द आने वाला है हमारे गेम में इंडोनेशिया सर्वर में। बाकी गाइज हम लोग बात कर लेते हैं इसका फिक्स डेट के बारे में कि किस डेट को ये आने वाला है हमारे इंडोनेशिया सर्वर में। तो देखो गाइज ये जो है ना, ये आप लोगों को 4 जून को देखने को मिल जाएगा हमारे इंडोनेशिया सर्वर में। मतलब कि संडे के दिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये टोकेंडिंग इवेंट हमारे इंडोनेशिया सर्वर में, जिसमें कि आप लोगों को एक स्पिन करने के लिए 19 डायमंड लगेंगे और 5 स्पिन एक साथ करना चाहोगे तो आप लोगों को 79 डायमंड्स लगेंगे। बाकी गाइज हम लोग बात कर लेते हैं न्यू अपकमिंग स्पाइडरमैन इवेंट के बारे में। तो गाइज आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा कि हमारे गेम में आने वाला है स्पाइडरमैन इवेंट, और स्पाइडरमैन इवेंट से भी हमें बहुत सारे रिवार्ड्स बिल्कुल फ्री में भी मिलने वाला है। जैसे कि गाइज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को पोस्टर में जितना सारा आइटम्स देखने को मिल रहा है, ये सभी आइटम्स हमें बिल्कुल फ्री में ही मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को एक इमोट देखने को मिल रहा होगा, और ये इमोट भी हमें बिल्कुल फ्री में ही मिलेगा जब हमारे गेम में आएगा स्पाइडरमैन वाला इवेंट। तो और भी इसमें से हमें बहुत सारा कुछ फ्री में ही मिलने वाला है, जैसे कि आप लोगों को बैट का स्किन भी फ्री में देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को बैकपैक का स्किन भी देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद गाइज आप लोगों को एक पेट भी मिलेगा फ्री में जो कि मुन्नी पेट होने वाला, मतलब कि पेट का स्किन मिलेगा, और वो स्किन होने वाला है स्पाइडरमैन वाला स्किन जो कि गेम में आने के बाद देखने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। वैसे ये अभी हमारे इंडोनेशिया सर्वर में कोई कैलेंडर नहीं आया है, ये कोई अदर सर्वर है, और जितना भी फ्री आइटम्स है वो सभी सर्वर्स में सेम ही मिलेगा। मतलब कि जो सब यहाँ पे आप लोगों को फ्री में देखने को मिल रहा है वो सब हमारे इंडोनेशिया सर्वर में भी फ्री में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये मतलब कि स्पाइडरमैन वाला इवेंट जो आएगा तो उसमें कुछ टोकन्स वाला सिस्टम भी होगा, जैसे कि गेम वगैरह खेलने के बदले में हमें टोकन्स मिलेगा, और जिस टोकन के बदले में हम कुछ रिवार्ड्स एक्सचेंज कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को जो एक बैट का स्किन देखने को मिल रहा है, ये बैट का स्किन हमें बिल्कुल फ्री में ही मिलने वाला है जब हमारे गेम में स्पाइडरमैन वाला इवेंट आएगा। तो गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि कब तक आप लोगों को ये स्पाइडरमैन वाला इवेंट देखने को मिलेगा हमारे इंडोनेशिया सर्वर में। तो देखो गाइज ये इवेंट जो है, ये इवेंट आप लोगों को 10 जून तक देखने को मिल जाएगा हमारे इंडोनेशिया सर्वर में भी। और उसके बाद गाइज हम लोग बात कर लेते हैं न्यू वेपन रॉयल के बारे में। तो देखो गाइज हमारा वेपन रॉयल भी जब चेंज होगा ना, तो नेक्स्ट कौन सा वेपन रॉयल आने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गाइज नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट आप लोगों को ये G36 का वेपन रॉयल का स्किन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं है कि नेक्स्ट में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी आप लोगों को ये स्किन जरूर देखने को मिलेगा हमारे इंडोनेशिया सर्वर में भी। और इसका एट्रीब्यूट्स देख लीजिए, इसमें आप लोगों को रिलोड स्पीड सिंगल माइनस देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी डबल प्लस और मूवमेंट स्पीड सिंगल प्लस। बाकी ये G36 का स्किन भी काफ़ी मस्त लग रहा है और इसमें एनिमेशन भी दिया हुआ है। तो गाइज अभी के शुरू में बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।